टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चीन से फैल रहे एक नई बीमारी के बारे में। चीन से फैला कोरोना वायरस अभी थमा नहीं है कि उसकी ही धरती से एक और नई महामारी जन्म लेने की आशंका जता दी है। जी हाँ, चीन में अब नए तरीके का H1N1 स्वाइन फ्लू पाया गया है। इसको लेकर चेतावनी दी गई है कि वक्त रहते अगर इसे नहीं रोका गया तो यह महामारी का रूप ले सकता है। नया स्वाइन फ्लू चीन के सुअर के फॉर्म में काम करने वाले लोगों में फैला है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू 2009 में भी फैला था, जब इसने दुनिया भर के 285,000 लोगों की जान ली थी। इस नए स्वाइन फ्लू का नाम G4EAH1N1 रखा गया है। अभी ये उतना नहीं फैला है, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती और ये हम और आप कोरोना काल में देख ही रहे हैं। चीन में H1N1 कोरोना के पहले से था, इस पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने स्टडी करी। इसमें 15 सुअर के फॉर्म के 338 कर्मचारी और आसपास के 230 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। इससे पता चला कि 10.4% कर्मचारी और 4.4% आस पड़ोस वाले G4EAH1N1 पॉजिटिव थे। 18 से 35 साल के लोगों में पॉजिटिविटी रेट 20.5% था। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी खतरा भले बड़ा नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे अभी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। इसमें देखा जाएगा कि क्या कर्मचारियों को यह वायरस किसी आदमी से फैला, क्या उन्होंने अपने परिवार के लोगों में भी यह वायरस पहुंचा दिया है। इससे पता चलेगा कि यह फ्लू भी आदमी से आदमी में ट्रांसफर हो रहा है। कोरोना का भयंकर रूप देखते हुए अमेरिका भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह स्टडी भी अमेरिका और चीन की एजेंसियों ने मिलकर ही किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहाँ हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।